गाइस आज हम बात करेंगे कि एलविस यादव और सलमान खान के बारे में, जो कि गाइस आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पूरे इंस्टाग्राम पे आप जितना भी स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको इन्हीं दोनों के हैटर्स और कुछ फैंस की बातें चल रही है, ठीक है, कि किसके ज़्यादा है किसके कम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे वीडियो दिखाने वाला हूँ और आपको यहाँ पर यकीन दिलाने वाला हूँ कि कौन गलत है और कौन सही है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठ रखे हैं, और सबसे ज्यादा गद्दार तुम्हें पता कौन है? मैं वो नहीं बोलूंगा किसी कम्युनिटी को। आप लोगों ने देखा ये वाली वीडियो जिसमें यहाँ पे साफ एलविस यादव बोल रहे हैं कि मतलब मुसलमान के लिए, यानी कि मुसलमान गद्दार है, ठीक है। अब मैं आपको आगे वाली वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे आप ये क्लियर कर रहे हैं, खुद एलविस यादव ये बोल रहे हैं कि भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ। तो भाई ये क्या चीज है जो अभी ये इस वीडियो में आजाद जिंदगी थी, अब देखो बुरके के अंदर आ रखी है ये बिचारी लोग। एलविस भाई तुम हिंदू मुस्लिम करते हो? भाई हिंदू मुस्लिम करता हूँ, हिंदू मुस्लिम रहते हैं ना हमारे देश में, और जरूरत पड़ रही है करने। और बात दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एकदम साफ देखा कि किसी जगह पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान करने का वक्त आ गया है, और किसी वीडियो में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब मैं किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मेरा वीडियो भी एडिट, मेरा थंबनेल भी एडिट मुसलमान ही करता है। शिकायत रहती है एलविस भाई आप हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं कहा भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जो मेरी टीम है, जैसे मेन चैनल की जो टीम है ना मेरी, भाई मुस्लिम है उसमें, शूट मेरी मुस्लिम करता है, एडिट मेरी मुस्लिम करता, थंबनेल मेरी मुस्लिम बनाता, पब्लिक मेरे। यहाँ पे जो भी सलमान खान के फॉलोअर्स घटे थे उसको लेके बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है इंस्टाग्राम पे कि एलविस यादव पड़ गए सलमान खान पे भारी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग रियलिटी देख सकते हो कि रियलिटी क्या है। वीकेंड पे सलमान खान ने आपको काफी डांटा था जिसके वजह से उनके फॉलोवर्स गिर गए थे और आपके फॉलोवर्स बढ़ गए, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने मुझे समझाया पहली बात तो, और दूसरी बात कि ये सुन रहा हूँ मैं सबके मुझसे, र्यूमर है उनके फॉलोवर्स नहीं घटे जी। तो आप लोगों ने खुद देखा एलविस यादव खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सलमान खान का फॉलोअर्स नहीं घटा था, और अगर घटा भी था तो सलमान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि सलमान खान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब बात है कुटे की, बम्बू की और काले की, मैं लाया हूँ यहाँ पे, यूज करोगे? सलमान खान ने कोई गलत चीज नहीं बोली है, यहाँ पे एलविस यादव खुद बोल रहे हैं कि भाई मुझे सलमान खान ने बस समझाया, और मुझे लगता है कि एलविस यादव ने रोया इसलिए ताकि उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने कुछ गलतियां की हैं, तो ये रियलाइज होने की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। सलमान भाई ने मुझे समझाया बहुत प्यार से, अपना छोटा भाई समझ के समझाया, जो कि मैं समझा भी कि जो चीज गलत है उसको मान लो और उसको ठीक करने का कोशिश करो, तो ऐसा उनने कुछ गलत नहीं बोला सलमान। और रही बात गाइस हेट की, तो देखो दोनों लोग अपनी जगह पे सही है, और रही बात सलमान खान के फॉलोअर्स की और एलविस यादव की फॉलोअर्स की, तो भाई देखो सलमान खान की तो बात ही अलग है, ठीक है, तो वो एक स्टार है और बॉलीवुड के बादशाह भी है, ठीक, तो उनका और एलविस यादव का कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है। कंपेयर करने का नतीजा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या सच है और क्या झूठ है, और फाइनली गाइस मैं यही चीज बोलूंगा कि दोनों लोग आपस में एक जगह पे सही हैं, और एलविस यादव ने कुछ गलतियां स्टार्टिंग में की थी, लेकिन सलमान खान से मिलने के बाद जो है वो सारी गलतियों को उनको एहसास हो गया कि हाँ मैंने कुछ गलतियां की हैं, और दोबारा से उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये कौन है, मतलब पास से पहली बारी मैंने देखा, मूवीज में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी उन्होंने, चिल मारो ज़्यादा मत।